ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਚਾ ਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਡਾਉਣਾ ਇਹ। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं भाई खैरी ब्रिज के पास एंड भाई ये चेक कर लो पीछे अपने लोंडे भाई लगे हैं रील्स बनाने पे पूरे छा गए भाई दोनों बंदे एंड ऐसी कुछ लोकेशन गाइज चेक कर लो। तो अभी बस जस्ट निकलेंगे हम थोड़ी देर बाद भाई जैसे हम इंस्टा 360 शूट करने लगे तो भाई उस सीन ये हुआ कि भाई बैटरी बिल्कुल डेड थी तो ऐसा कुछ सीन था और अभी बस 10 मिनट इसको चार्ज करेंगे उसके बाद भाई हम निकलेंगे सीधे घर की ओर। पहले हमारा गाइज जाने का प्लान था उधर मनीखेत बट 3:30 हो गए भाई तेरी टाइम लगेगा तो हमने सोचा भाई कि अब हम निकलेंगे सीधे ही घर के लिए। तो पीछे देख लो भाई डॉग सोया अभी इसको नींद है प्यारी अभी इसको उठा लेते हैं नहीं तो भाई बीच में कहीं आई ना कोई गाड़ी गुड़ी रुक जाएगा फिर ये। चलते हैं जल्दी से करते हैं राइड को कंटिन्यू भाई इंस्टा 360 के मतलब एंगल से हम एक रील बनाएंगे एंड वीडियो बनाएंगे भाई लीन रख रखेंगे बस 5-10 मिनट उसके बाद से भाई कैमरा ऑन होगा गाइस घर। तो गाइस ये आगे भाई छोटी सी टनल भाई टनल की हालत सही नहीं इधर मतलब हम स्पीड में आते ना देख लो भाई काफ़ी पैच से इधर हो भाई डर ही लगता है मेरे को ऐसे इस जगह में। गजब बेइज्जती है मैं ये बोले पीछे ब्रेक नहीं भाई सेरी तो कोई तो रुकना लगे मां लगी नहीं ना ना लगी लगी है ना दिख क्या है ना नहीं लगी दिख क्या है ये छुड़काव लग गया मेरी तो दिख होएगी कोई सुता नहीं कुछ ला दे नहीं होगी। हां जी अंकल हां जी क्या कर रहे हो कुछ ट्राई कर रहे हो बस प्रैक्टिस वीडियो बनाने की वीडियो बना रहे हैं हमने हाँ जी हाँ जी चंबा जगह चंबा प्रेल बनाने लगी वीडियो नहीं चाह रहे बनिए जा रहे अभी हमने अच्छा ये नहीं करते ठीक है ना नहीं अगर बिल्कुल बस खाली रोड है मोटरसाइकिल है हाँ जी कुछ आज नहीं लाया उड़ाना गाइस दोनों बंदे को चेक करो दोनों खड़े होकर चला रहे हैं भाई वाह गिरेंगे तो दोनों एक साथ में गिरेंगे देखना ये और बाइक इनके नीचे से होके चले जाएंगे ना पागल हो गए यार गाइस क्या कर रहे हैं यार ये छपरी वाले गांव करे तो ये देख लो क्या सीन ये हुआ ना मतलब कि रोड भाई अच्छी थी बट बम्प आ गए बीच में और इस वजह से ब्रेक अप्लाई की उसके बाद भाई इसकी बाइक मतलब ना वोबल हो गए यार और उससे कंट्रोल के ब्रेक ही नहीं लगी भाई मेरे को पता था भाई मैंने इसको पहले बोला था कि भाई इसकी ब्रेक नहीं चलती है कई बार लगेगी कई बार मतलब फुट ब्रेक लगेगी नहीं बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है ये सीन मेरे साथ बड़ी बार हुए पर मेरे को पता है भाई अपनी बाइक का क्या सीन है इसका। तो एंड गाइस अभी बस निकल चुके हैं एंड 4 बज गए भाई शाम के और लेट भी हो रहे हैं और काफ़ी दूर है भाई अभी हम घर से और भाई ये कर्व चेक करो यार कितनी बड़ी कर्व है गाइस यहाँ पे गाइस इसका सीन हुआ था मोहे का ये जो पॉइंट है और ये वो बम्प था गाइस जा रहा है मोही ओके कैमरामैन है दूर तो है भाई जाना तो है ही घरे चल ठीक है मोही निकल गया अपने घर के लिए और भाई अब मैं अकेले राइड कर रहा हूँ गाइस जो शाम का टाइम
बस ये भाई पुल क्रॉस हो गया, उसके बाद भाई सीधे मैं निकने वाली बात करने का, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना अंधेरे के टाइम यार, फिर बाइक राइड बिल्कुल नहीं होती यार मेरे से, मतलब अंधेरे को भाई दिखता नहीं, इसकी विजिबिलिटी कम आती है, फिर तो जल्दी से निकलते हैं गाइस। और ये भाई आ गया अपना जैम भाई, रोड के कनेक्शन ठीक नहीं है भाई इधर। ओ हो हो, एक तो भाई ब्रेक तो गाइस फुट वाली बिल्कुल ही नहीं लग रही यार, बिल्कुल भी नहीं, बस फ्रंट ब्रेक के इशारे से चल रहा हूँ अभी मैं, बस जल्दी से ऊपर पहुँच जाओ ना इधर मेन हाईवे पे, उसके बाद तो भाई रोड भी अच्छी मिल जाएगी मेरे को। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी भाई बस अंधेरा होने से पहले ऊपर पहुँच जाऊँ तब तो ठीक है, नहीं तो भाई कांदू तक तो भाई बैंड बज जाएगी फिर अपनी। गाइस नीचे का व्यू चेक करो भाई, काफ़ी सही है। अगर गाइस हम मतलब थोड़े से जल्दी आ जाते ना तो भाई हमने सोचा था भाई कि यहाँ पे फोटो शूट वगैरह बनाएंगे, बट टाइम ज़्यादा हो गया, पाँच सवा पाँच तक हो गए भाई, और टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से निकलते हैं नहीं तो भाई। सच्ची बात बोलो तो भाई ठंड लगने लग पड़ी यार शाम के टाइम, ये तो भाई मैंने जैकेट सही किया, जैकेट डाल के आ गया, नहीं तो राइडर जैकेट में तो ठंड लगती है तगड़ी वाली। और हाँ बस अंधेरा भी होने वाला है, जल्दी जल्दी व्लॉग को भाई शूट करते हैं और उसके बाद कैमरे को ऑफ करते हैं और सीधे गाइस घर जाके मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो जल्दी जाके भाई लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, ऐसे वीडियो स्किप करके मत भाग जाना, ठीक है भाई। बंदा गाइस काफ़ी मोटिवेट होता है यार। ओहो गाइस कर्व तो तगड़ी है यार इधर इधर, वैसे मज़ा आता है गाइस राइड करने का। और गाइस कभी भी ना सोलो राइड भी करनी चाहिए, क्योंकि सोलो राइड में काफ़ी मतलब बंदे को एक्सपीरियंस मिलता है यार और मज़ा आता है वैसे राइड करने का भी। गाइस अभी बात कम ही हो रही है, बस राइड में फोकस है अपना ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है फिर ब्लॉग को अपने यहाँ पे एंड करते हैं, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दो। ओके भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके भाई टेक केयर। मतलब बीच में गाइस बम्प आया ना तो भाई हमने सोचा ये रुका आ रहा है, रुकी नहीं बाइक सीधे भाई पैर बीटी से जाके चक, और गाइस इसका छोटा सा क्रैश हो गया। वो भाई मैंने कैमरा तो वैसे ऑफ रखा था अपना, बट इंस्टा 360 में हो गया रिकॉर्ड वो, तो गाइस बस उसको भाई डालेंगे क्लिप, ठीक है आप देख लेना भाई। और ऐसे कुछ लोकेशन में खड़े हम चेक कर लो, और पीछे बंदे भाई शूट कर रहे हैं। तो गाइस ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना बोलो। ओके भाई मिलते हैं नेक्स्ट, ओके भाई टेक केयर।